और ये गाड़ी वाला कहाँ जा रहा मारने के लिए भाई, कैसे कैसे ड्राइवर है ये, अरे घुसा दे। ओ भाई पुलिस पड़ गई पीछे, माय गॉड पुलिस पड़ गई पीछे, इतनी गंदी आवाज आ रही है डिस्क से, चर 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 वाली, और डिस्क पूरी खराब हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इसमें रबिंग करानी पड़ेगी हमें भी। वो देख 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 देख, बस ये है कि जो टंकी में तेल है ना, ये लास्ट तेल है, इसके बाद हमारे पास एक भी रुपए नहीं है तेल डलाने के ना पेट में खाना खाने के। बजाज के हाल, नट एक बचा है, दो नट गिर गए, ये सब इसी अपनी वाइब्रेशन है भाई इसकी, जिसके वजह से गिर रहे हैं, और बहुत बुरे हाल है भाई इस बाइक के, सीरियसली करो, ब्रेक पैड के, ब्रेक पैड के नाम से लोहे का टुकड़ा बचा और कुछ नहीं बचा, इसी की वजह से तो वापस आए इतने जल्दी। ये तो है, ये तो हमारा तो इस बार पूरा 30 दिन का ट्रिप था ये। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं हम चंडीगढ़ के लिए वापस, खाना खा के सुबह मॉर्निंग का। सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो तो सोलो राइड मारो, ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप फ्रेंड के साथ राइड मार रहे हो तो मारो, बट ऐसे देखो सबसे पहली बात तो मैं इस राइड से क्या आपको सजेस्ट करता हूँ, इस राइड से मैंने दो ही सबक सीखे। पहला है कि बाइक वो लेके चलो जिससे आपको भरोसा हो, और अगर वो काम मांग रहे तो उसे काम दे दो, उसके बाद उसे लेके चलो राइड पे। दूसरा सबक ये मिला भाई कि अगर आपके साथ कोई फंस जाए ना तो उसका साथ दो, आगे जाके वही आपके काम आने वाला है, ना कि आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर। और कुछ है हमारे ग्रुप में भी जो मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा इरिटेट कर चुके हैं भाई, मैं देख अपने ब्लॉग में सच बताता हूँ, राइड में मेरे साथ क्या होता है मैं सब बताता हूँ। पहले हमने बहुत मजे किए पैक्सल में, जब जैसे जैसे राइड खत्म हुई वैसे वैसे हम स्ट्रेस होते गए। अब टॉक्सिक बाइक की बाइक में ब्रेक ही नहीं है बिल्कुल भी, इनके पहले ब्रेक वगैरह डाल देते बाइक में, और डोमिनार में भी तो सब कुछ है। बोबराज भाई को थोड़ा सेव वगैरह लेने थे अपने लिए, देखते मंडी में हम रुकते या नहीं रुकते हैं। पहले धर्मशाला जाने का प्लान था मेरा, बट मैंने लास्ट में कैंसिल कर दिया, कुछ रीजन थे धर्मशाला जाने के, क्योंकि वहाँ पर हमें पता लगा चेरी और सेब काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलते हैं, और बोबराज भाई के कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे तो हमने सोचा चलो वहाँ चलते हैं। और ये वो ब्रिज है भाई जहाँ पर मेरे को अपनी रील बनानी है, लास्ट टाइम मैंने आरएस के साथ यहाँ पर रील बनाई थी, इस बार एविल के साथ यहाँ पर रील बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी के टाइम बाद ये एक साल के बाद ये मेरे को दोबारा ये मौका मिला कि सेम लोकेशन पे मैं अपनी अलग बाइक के साथ एक रील और क्रिएट कर सकूं। तो भाई अभी लद्दाख का जो फ्लैग है ना ये लग गया एटलीस्ट यार, देखो पिछले बार आरएस पे लगाया था मैकेनिक ने फाड़ दिया था 2 दिन में, बट इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं हम चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ जाके सीधा मिलेंगे। रास्ते में मंडी का जो रोड है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से भाई पूरा दिमाग ख़राब होने वाला मेरा, लास्ट टाइम भी उसी की वजह से मैं शिमला से आया था, बट इस बार भाई मंडी से जाना पड़ेगा। किस्मत देखो जिस रास्ते को मैं चाहता था कि यानी यहाँ से नहीं जाना किसी भी हाल में, वहीं से घूम के जाना पड़ रहा है, ऐसे हाल हो गए भाई। तो भाई ये वाली बाइक के और के ब्रेक फेल हो रहे बार बार, ब्रेक के लग नहीं रही, ब्रेक पैड और के खत्म आगे पीछे दोनों। R15 कहाँ मिलेगा मैकेनिक इसका? मैकेनिक तो हम मेरे हम नहीं, इससे ब्रेक दोनों आगे पीछे दोनों ब्रेक पैड संडे भाई मुश्किल है, आपके पास नहीं पड़ रहा कोई? भैया देख लो यार कुछ तो। तो भाई यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम है ये वाली, तो भाई एक ना प्रॉब्लम ये है स्पोर्ट्स बाइक की, अगर आप राइड पे निकल रहे हो तो भाई एक पियर तो ब्रेक पैड लेके चलना है। हम इतना स्लो पता क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उस बाइक की सिर्फ इंजन ब्रेकिंग काम आ रही है, ब्रेक तो किसी काम की नहीं है। अभी ये खींच रहा है, इसे पता है रोड खाली है, देखो जैसे भी उसने रोकना होता है इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर लेता है, चुपचाप से 40-50 स्पीड में चल रहे अभी हम विदाउट ब्रेकिंग भाई। तो यार हमेशा एक पियर ब्रेक पैड एक्स्ट्रा कैरी करो, तब किस चीज़ की लोड पड़ जाए कुछ पता नहीं है, और या फिर कंपनी में नवे डला के आ जाओ, जितने किलोमीटर चलते हो उस हिसाब से देख लो क्या कर रही है। रोड के पीछे सरिया खींच रहा है, मेरे को लगा पता नहीं किस लिए रुक रहा है भाई, इतनी गंदी आवाज़ आ रही है ना डिस्क से, चर 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 वाली, और डिस्क पूरी ख़राब हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इसमें रबिंग करानी पड़ेगी हमें भी, मतलब इसकी फिनिशिंग करानी पड़ेगी तब जाकर डिस्क सही होगी। अभी सिर्फ काम चलाओ काम करना पड़ेगा, आगे पीछे दोनों के हाल ख़राब हो रखे भाई, आवाज़ मैं कह रहा हूँ खतरनाक आ रही है, और बहुत बुरे हाल है भाई इस बाइक के, सीरियसली कह रहा हूँ, ब्रेक पैड के नाम से लोहे का टुकड़ा बचा और कुछ नहीं बचा। राइड पे जाए और बजाज की बाइक हमारे साथ हो और उसमें कुछ ना कुछ सामान छूटे ना, तो ऐसा हो सकता है, तो इस बार हैप्पी बाइक होता है क्या छूटा? ये देख लो भाई साइड का ये सेफ्टी गार्ड होता है, तो ये पूरे उतर गया भाई, इसके नट वगैरह गिर गए, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी बजाज यूज़ करता है कि भाई इसके सारे नट वगैरह गिर जाते हैं। और ये देख लो भाई, मतलब ऐसे यार कि ये राइड के बाद दिक्कतें आती है, बट ऐसे तो क्या दिक्कतें आ जाएगी, सामान उठा उठा के लेके जाना पड़े है, ये भी अलग ही एक लफड़ा ही है यार। अभी ब्रेक पैड वाला मिल नहीं रहा, पीछे टॉक्सिक भाई भी आ रहा है, उसके ब्रेकें लग नहीं रही, ब्रेकें फेल है, और ऐसी भाई अपनी राइड कट रही है, मतलब कहते हैं ना कि हमारी जो जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है,
हम पहले सोचते नहीं बाद में सोचते हैं, तो भाई लोग अच्छे के लिए था आपको पता लग गया ब्रेकिंग बहुत जरूरी है, नेक्स्ट टाइम बंदा का टाइम टू टाइम चेंज कराता रहेगा। बजाज के हाल, नट एक बचा दो नट गिर गए, ये सब इसी अपनी वाइब्रेशन है भाई इसकी जिसकी वजह से गिर रहे हैं। चल बंजी खोल तो बंजी के अंदर बांधता हूँ मैं, पकड़ यार हालत है। ये भी भाई दिन देखने पड़ रहे हैं आप बजाज होके भी हैं। इसने तो बहुत दिन दिखाए हैं। इसी की वजह से तो वापस आए इतने जल्दी। ये तो है, ये तुम्हारा तो इस बारी पूरा 30 दिन का ट्रिप था ये। इस बारी का जो ट्रिप है ना इसी की बाइक की वजह से हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ा भाई। नहीं तुम्हारा इस बारी प्लान था कि हम श्रीनगर होते हुए आएंगे। चल कहीं नहीं जाएगा देख लफ्स, कहीं मकान नहीं किसी को दिखेगा, रुक जाना ठीक है। हैप्पी तो सबसे आगे चल, फिर टॉक्सिक लगे फिर मैं चलता हूँ। अरे यार मेरी विल पे पता नहीं क्या दिक्कत है, एक ही बसोड़ी अलग है देख रहे भाई। अभी 5वां महीना भी हुआ और बाइक में ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रखी है, सेल्फी नहीं उठा रही, मतलब ऐसे क्या बताऊँ मैं क्या क्या प्रॉब्लम है भाई इन बाइकों में। किसी की ब्रेक, चलो उसकी तो यार ब्रेक खराब है, बॉडी पूरी जो कंपनी ने खोली वाइब्रेशन हो रही है, खुल फैल गई है बॉडी। आर1 जो एम है ना उसकी बॉडी पूरी खुल गई, और आगे जो हैप्पी भाई उसका एनएस तो भाई क्या बताऊँ मैं, उसका खर्चा आपके वो गिरा ही देते हैं। बहुत दुखी मतलब इस राइड में यार, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या देखना लोग पसंद करते क्या नहीं देखना पसंद करते, पर जो हमारे साथ हुआ ना हमें पता है, हम यहाँ किस तरह आए हमें पता है, हम जिस तरह घर जा रहे हैं ना हमें पता है भाई। बस ये है कि जो टंकी में तेल है ना ये लास्ट तेल है, इसके बाद हमारे पास 1 भी रुपये नहीं है तेल डलाने के ना पेट में खाना खाने के भाई। ये है एक अंधेरी टनल भाई, ये टनल में कुछ दिखता ही नहीं है भाई कसम से, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने चश्मा लगा रखा उसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में चल रहा हूँ मैं, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, इतना गंदा दिख रहा है डर लग रहा है मेरा। स्लो स्लो चलता हूँ भाई, आगे हैप्पी जा रहा है, हैप्पी के पीछे आराम से चलता हूँ, दिख ही नहीं रहा भाई कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसी ये टनल हमारी ख़त्म होती ना वैसे हमें बता दिया जाता है कि भाई आगे आपके लिए जो रास्ता है वो एकदम बेकार है, अब आपको थोड़ी देर सुहाना रास्ता मिलेगा, उसके बाद आपको बुरे हाल वाले बुरे कंडीशन में जाना पड़ेगा। अरे जो आगे भाई आ रहे हैं ना ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं केरल से, भाई मज़ा आ गया देख के यार, ऐसा मेरे को भी करना है, बट आपको पता ही है भाई ये सब करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा बोलता ब्रो पैसा। यहाँ हमारी लद्दाख राइड में इतना सारा खर्चा हो गया, जो उम्मीद थी उससे दुगना हो गया। वो दिख 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 देख देख रुक जा सर, रुक जा साइड में लगा, रेल देख मस्त लग रही है। हाँ भाई पानी की प्यास लगी है, ये गंदे पैसे मेरे को बड़ी इरिटेशन है भाई, पर मैं दबता नहीं उनसे भी। ओ भाई 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 सुआ, ओ भाई ये इसी रोड का डर रहता मुझे मंडी वाली से आने से, मेरे को बड़ी इरिटेशन है ऐसे रोडों से, इतना गंदा इतना ऑफ रोड, इतना गंदा इतना ऑफ रोड कि भाई मन नहीं करता है इन रोडों पे आने का। हाँ ऐसा होता है कि देखो अगर हमारे पास एडवेंचर बाइक है तो मज़ा फिर आता है ऐसे रोड पे भागने का, खड़े होके जाओ, बट बाइक ही हमारी ऐसी है भाई की एडवेंचर क्या बताएं अब, वैसे कमर की बैंड बजी हुई है और ये रोड और बजा देती है। मैं खामा खा तारीफ कर रहा था इस रोड की, रोड बन गई वैसी कंडीशन है इसकी अभी भी, कुछ टाइम बाद बन जाएगी बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ टनल पर टनल बन रही है ट्रेन के लिए, जो जम्मू साइड और कश्मीर साइड ट्रेन की लाइन बिछ रही है उसकी अंडर ये रोड भी काम कर रही है। भाई क्या हैंडल उछल रहा भाई, रोड कंडीशन देख ही लो भाई, अब पता लगी क्या होगा क्यों मेरे को ये रोड बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्स्ट टाइम क्यों नहीं आया मैं यहाँ से, इसीलिए नहीं आया क्योंकि रोड कंडीशन इतनी घटिया है ना घटिया, बता नहीं सकता। और ये गाड़ी वाला कहाँ जा रहा मारने के लिए भाई, कैसे कैसे ड्राइवर है ये, अरे घुसा साले, अरे कहीं से आया था इतने बेकार आदमी है, ओवरटेक के लिए भाई क्या क्या बोलूं मैं, दुखी कर देते भाई ये कई बारी। हिमाचल वाले राइडर भाई बहुत डेंजर है, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, इनकी राइडिंग स्किल्स पता नहीं मेरे को बट दूसरों को जरूर मार देंगे किसी दिन, ऐसे ही इनकी स्किल्स रहती रहती है। वेदर चेक करो भाई, वेदर चेक करो, ऊपर आसमान देखो क्या हो रखा भाई, अभी धूप है ऊपर जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ बारिश हो रही है,
भाई सीरियसली आज तो बस फंस गया मैं, एक शब्द लो। भाई साहब पैदल चक्कर, बारिश देखो सामने, सामने बारिश हो रही है। अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर बारिश नहीं है, यहाँ पर धूप है, पर 5 मिनट के अंदर यहाँ पर भी बारिश होने वाली है क्योंकि हम उधर ही जा रहे हैं। ब्रेक है, हाँ यहाँ मैं भाई, मैं बोली है 50 नहीं है। रुक जा रुक जा रुक जा, थम जा थम जा थम जा थम जा। भाई सीरियसली यार, यहाँ की ब्रेकिंग A1 है, A1। ऐसी ब्रेकिंग मेरे को अभी तक फील नहीं हुई थी। RS में तो भैया मेरे को पूरा रोकना पड़ता था, पाँव हाथ इंजन पावर सब यूज करनी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हल्की फुल्की ब्रेकिंग और उसके बाद लगे रहो अपने मजे में। इनका वेट कर रहा था मैं काफी देर से, अभी आगे और हम भी निकलते हैं। ओहो डोमिना भाई जोर चढ़ गया, डोमिनार का जोश चढ़ गया था, बट जोश 5 सेकंड का। भाई सीरियसली कह रहा हूँ मैं, यामा यामा है भाई, ब्रेकिंग है ना, थोड़ा इंजन ओवरहीटिंग प्रॉब्लम है बट और तो एक नंबर है भाई, और एक नंबर है। इंजन ओवरहीटिंग प्रॉब्लम तो चल रही है भाई, तो देखो वो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, वो तो कंपनी में दिखाना ही पड़ेगा तब जाके ठीक होएगा। उसमें ना कोई वायर वगैरह लग रही है बट, और एक A1 है भाई, और तो बाइक ना भागने में कौन हॉर्न दे रहा मुझे, मैंने किसी को कुछ किया क्या? ओ भाई पुलिस पड़ गई पीछे, माय गॉड पुलिस पड़ गई पीछे। ओ फक पुलिस पड़ गई, बच गया, अभी भी आ रही है भाई, मेरे को निकलना पड़ेगा यहां से फटाफट। भाई सीरियसली यार मैं कहां फंस गया इस चक्कर में, मैं भगाने चक्कर में रह गया और पीछे से आगे भाई पुलिस वाले और उन्होंने भाई सीन फंसा दिया। यहां से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर बचा हुआ, 70-60 किलोमीटर, और भगाते हुए हम सिर्फ आधा एक घंटे में चापड़े घर लग जाएंगे। वो बारिश ने पूरा दिमाग खराब कर दिया, 6 बजे तक हम चंडीगढ़ टच होते हैं बट वो बारिश के कारण थोड़ा लेट हो गए, और चेन इतनी ज़्यादा लूज हो गई थी ना भाई, सीरियसली कह रहा मैं, इतनी गंदी आवाज़ें आ रही थी चेन की भाई, मेरे को लगा टूट ना जाए कहीं। तो थैंक गॉड रास्ते में एक भैया मिले जो मैकेनिक थे, उन्होंने हमारी चेन वगैरह टाइट कर दी, बट वो ऐसी बाइकों का काम नहीं करते, वो बेसिकली बुलेट वगैरह स्कूटर वगैरह इन सब चीज़ों का काम करते हैं। बट उन्होंने देखा, उन्होंने कोई नहीं मैं कर दूंगा, बट एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं आता इसका, क्योंकि ये बाइक है मेरे पास कभी आती नहीं, मैं बुलेट वगैरह का करता हूँ। मैं कहा भैया जितना आता कर दो, हम बाद में कंपनी में जाके सेट करा लेंगे, क्योंकि भाई चेन इतनी ज़्यादा लटक रही थी, आवाज़ें कर रही थी, टूटने वाली हो गई थी। अभी यह भाई यहाँ का हाईवे हो गया, देखो आर वन एम भगा रहा भाई, देख रहा हूँ एम भगा रहा है, एम ईवल के आगे हो भी।